वेलकम बैक मेरा सोना वसीब। मेरा वसीब सिर्फ और सिर्फ समझदारी कहनी है, बाशऊर भी अगर मैं आखा तो इतना सकू बड़िया मिसाल मिलती हैं, बड़े कामयाब लोग मिलते हैं, बड़े कामयाब लोग ओ जिन्हों को कलम की ताकत है, तो उन्होंने ताकत को किमें खूबसूरती इस्तेमाल किया वो साढ़े कितने एक बहुत अहम तो बहुत खास सबक है। तो असा यह सबक सीखना भी है अज जितनी भी गाल थी से हूँ तू गिन के एंड तक असा अज स्पेशली तौकूँ सीखेसूँ डसेसूँ पढ़ेसूँ कहना रटेसूँ कहना असें रट्टा नहीं लावना, असा डिग्रिया नहीं गिनिया, असा समझना है, असा इलम हासिल करना है, असा हकीकत को तस्लीम करके इलम हासिल करना है, तहकीक करनी है, इतनी जी गाल है। बाकी अज ते मेरे मेहमान बड़े मौजिज मेहमान हैं, क्योंकि जितना उस्ताद की गाल आवने इंसान को डर भी लगते अपना वक्त भी याद आवेंदे। तो अगर आखा कि मेरे को अजकल जितने भी प्रोफेसर आते पे उस्ताद आते पे मैं हैरान हाँ कि एक तो बद के एक पोलाइट नरम लहजा तो इतनी मैं आदियाँ गुड वाइब्स वो वाले उस्ताद कितना गए जो साकू सही तरह डसेंदे कि इवें पढ़ो इवें ना पढ़ो सही समझते पे हो। सब मैं हूँ तारुफ करवे सा अपने पहले मेहमान का, मेरे नाल मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सजाद नईम साहब, ये स्कॉलर हैं, ये मैं आखा शायर हैं पंजाबी दे ते उर्दू दे, इन तो इलावा बड़े खूबसूरत शख्सियत दे मालिक हैं। इन्हां दीआं किताबां दे उत्ते गाल थी से, इन्हां नाल अज असां शायरी ते भी गाल करे सो, इन्हां नाल अज गाल थी से माशरे दे शोर दे मुताबिक ये क्या समझते हैं कि असां कित्थां कमी करें दे पए से, क्योंकि माशाल्लाह इन्हां दी जितनी तारीफ सुनी हर एक मिनट की मुलाकात है तो मेरे को लगता है तारीफ घट आई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ठीक ठाक जी? जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर। तो मेरी दूजी मेहमान मैं तो आती हाँ ना जी, जब मेरे थोड़े प्रोग्राम में सारी कोई फीमेल आवेदन मेरा बड़ा दिल खुश थी, मैं मेरे को अच्छा लगता है, तो खास कर वो टीचर होवन उस्ताद होवन उस्ताद का तो उवें ही सबको एहतराम ही बहुए। मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर अक्सा इरम शहजादी साहिबा। मैं इन्हों का तारुफ करवाव तो सब तो पहले अखे सा एक बड़ा खूबसूरत स्माइलिंग फेस गुड वाइब खातून ते खूबसूरत इंतहा का इन्हों का लबो लहजा है। इन तो इलावा ये असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के PZU 15 साल इन्हों का जरा स्टडीज के उत्ते तजर्बा है। अज असा इन्हों तो सीखसूँ समझसूँ इन्हों का सारा जो अज तक का सीखा होया है ये सबको प्यार न जैसे सन क्या करना है, सिर्फ इन्हों की गाल को सुनना नहीं समझना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमें मदु किया और ये मौका दिया कि हम लोग भी कुछ लोगों के साथ बात कर सकें और उन्हें बता सकें कि उस्ताद क्या सोचता है और क्या चाहता है अपने माशरे से। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैम आज के दौर में ना उस्ताद की जो अहमियत है वो हमसे कोई पूछ के देखे कि हमने वो किस तरह से हमने अपने उस्तादों से हमारा क्या डर होता था, हमारा क्या मोहब्बत होती थी, एहतराम जो होता था वो कहीं ना कहीं मिस होता महसूस तो कर रही हैं, लेकिन अगर देखें तो मोहब्बत भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स में। इसी तरह सर से भी बात करना चाहूँगी। सर सारा वसे भी एक शौक है नहीं, असा बैठे थे कट्ठे, असा गानी करें दे बैठे थे, सारी आवाम सा पूरे दी बैठी है, इसीलिए हम क्या क्वेश्चन आंसर करें, मेरी क्या मजाल जो मैं इतने अच्छे इतने कामयाब उस्तादों से सवाल करूँ। मेरे तो आज बातें हैं, मुझे तो आज आप लोगों ने बताना है और सिखाना है और समझाना है कि हो सकता है कि मुझे कोई बात मिल जाए और आपके पास जो कलम की ताकत है जो शायरी का हुनर है उसकी तो क्या ही बात है, उसमें तो खुद बड़ा फन है, वो हर बात समझा देता है जी। क्या कहना चाहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ पर मदद किया और एक ख़ास दिन पर, आप जानते हैं कि 24 जनवरी जो है वो तालीम का आलमी दिन है, तो इस मौके पर हम जैसों को यहाँ पर मदद करना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। और जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, शऊर से इसका एक गहरा रिश्ता है और बहुत सारी तारीफ़ात मुख्तलिफ लोगों ने की हैं कि तालीम क्या है, तालीम जो है वो रवैये में तब्दीली का नाम है, या आप मंजर में जो कुछ देखते हैं उस मुशाहदे को अपने जहन में उतारना वो तालीम है, वो शऊर है। तो इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें हो सकती हैं, लेकिन आज के अहद में जब हम देखते हैं कि तालीम क्यों ज़रूरी है और ये दिन क्यों मनाया जाता है,
तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो उसके साथ तालीम की अहमियत और बढ़ गई है। और बढ़ गई है बिल्कुल। आप पिछले कुछ चंद सालों में देखें, हमारे यहाँ शरह खानगी जो है वो बहुत कम थी, लेकिन जो अभी अदाद शुमार आए हैं जिसमें कहा गया कि 62% हमारी शरह खानगी होगी है पाकिस्तान की, तो ये हैरान कन भी है कि पिछले कुछ अरसे में 10-12 साल की तो सिर्फ हमारे वाले एरिया में आती है, पंजाब में आती है। जी जी बिल्कुल। तो ये कैसे यकदम बहुत ज़्यादा एक खानगी जो है वो बढ़ गई? 2,76,00,000 लास्ट हमारा जो इसमें आया है वो ये हिंसा आया है, जो कि मैं कहती हूँ टू मच है सर। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखें कि इस पे क्या वजह क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अब ज़िंदगी कुछ अलूम के साथ जुड़ती हुई नज़र आ रही है। पहले शायद इतना ज़रूरत नहीं थी हमें तालीम की, अब हमारे रोज़गार के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गई है। हाँ, अलबत्ता पहले ज़मानों में तालीम का मकसद सिर्फ यही था कि जी पढ़ा लिखा बंदा हो, बोल सकता हो अच्छा, लेकिन अब उसके साथ साथ ये है कि आपने रोज़गार किस तरह से हासिल करना है। और जैसे जैसे ज़माना तब्दील हो रहा है और नई ज़िंदगी हमारे सामने है, बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी है, बिल्कुल मुख्तलिफ। अगर 10-15 साल आप पीछे चले जाएं और देखें आप, तो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ इंसान आपको नज़र आता है। और इतनी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, और इससे अच्छा तालीम भी दो तरह की है। हाँ, बिल्कुल। एक तालीम तो ये है कि आपके शऊर में एक डेवलपमेंट है, और दूसरा ये है कि आप चीज़ों के बारे में जानते हैं। लेकिन वो जो जानना है वो अब तकलीफ का बायस भी बन रहा है। आप सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कोई चीज़, किसी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं, बजाय इसके कि आपको प्लेयर हो, जो किसी ज़माने में प्लेयर मिलता था आपको, अब आपका जो जहन है वो किसी और की कैद में चला गया है, किसी और की गिरफ्त में चला गया है। हाँ। और अब शायद कुछ चीज़ें जो हैं हमें बहुत ज़्यादा डीपली देखने की ज़रूरत होगी। तो इस हवाले से बात इंशाल्लाह चलती रहेगी। हम ये भी देखेंगे कि इस खित्ते के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। सर, बहुत आपने खूबसूरत बात की है, आपने जहाँ से बात शुरू की वहीं से ही मैं बात करूँगी कि हमारा जो मेन तरीकाकार है ना, मैं आप ही से ये बात करूँगी ताकि मैम इसमें हमारे साथ ऐड होंगी, कि हमारा जो मेयार, जो हमारा ख्वाब पाकिस्तान बनते टाइम हमारे कायद ने देखा, जो एक बड़ा ही मैं कहती हूँ एक माइनर सा हमें निज़ाम दिया गया पाकिस्तान बनते टाइम, उसके बाद हमारे कायद ने एक बहुत ही खूबसूरत निज़ाम चाहा, और तालीम को फ़रोग देने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, और अब तक बहुत सारे लोगों के नाम इसमें शामिल होते गए। लेकिन क्या हमारा निज़ाम उस सारे सिस्टम को, उस सारी सोचों को, उस सारे मेयार पे पूरा उतर रहा है? मेरा ख्याल है कि इस पे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। क्या हमारा सिस्टम जो है वो हमारी जो ज़हनी एक बालीदगी है उसमें कोई इजाफे का बायस बन रहा है या नहीं बन रहा? अच्छा, ये हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा मसाइल हैं, वहाँ पे ज़्यादा मसाइल हैं, और उसमें ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मुल्तान शहर है, आप देखें हम इस खित्ते में मौजूद हों और मुल्तान की एक अपनी एक तारीख़ है, 5,000 साल तारीख़ है, और ये नहीं है कि मतलब है कि फर्जी बातें हैं या तो निशान दिए हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, इतने तारीखी मुकाम मंदिर यहाँ पर पुराने हैं, जगह हैं। तो अब ये है, क्या हम अपने खित्ते के बारे में कोई मालूमात जानते हैं या नहीं जानते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखें कि हमारे सिलेबस में अभी तक मुल्तान की तारीख को उस तरह से शामिल नहीं किया गया, नहीं किया गया। अफसोस की बात है। और हमें निदाम माजरत के साथ कथा कलामी माफ़, हमें उस वक्त ज़्यादा एक निदामत महसूस होती है कि जब कोई बाहर से बंदा मुल्तान के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात लेके आता है और हमसे पूछता है कि फ़लाँ जगह पे मैंने जाना है, फ़लाँ की हिस्ट्री इस तरह से है, तो हम ज़रा नज़रें झुका लेते हैं कि। और मेरा ख्याल है कि तालीम जो है वो महज ये नहीं है कि आप वो जो निसाब और किताबी इलम है, बल्कि उसके साथ साथ जिस खित्ते में आप मौजूद हैं क्या उसकी तालीम के साथ तालिबे इल्म का रास्ता जो है उस्तवार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में हमें दिखाया या समझाया नहीं जा रहा है। जी जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मोहम्मद रमजान बोल रहा हूँ।
आवाज आपकी कम आ रही है जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान, मोहम्मद रमजान कैसे हैं आप? जी जी आपकी आवाज आ रही है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है जी। प्रोग्राम देख रहे हैं जी, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है मैम। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से, हमारे मेहमानों से क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये प्रोग्राम है सुबह के नशरियात का जी, ये बहुत प्रोग्राम है और हम सब इसको बड़े शौक से, जब से इसकी लॉन्चिंग हुई है पीटीवी मुल्तान की, हम सब इसको रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और इसमें जो आपके माहिरीन है या जो डॉक्टर साहबान है उनके जो कीमती मशवरे होते हैं या आपकी जो सजेशन उनकी होती है वो हम बड़े शौक से सुन रहे हैं। और आज का जो मौजू है तालीम का, मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये वसेब है खास तौर पर जो जनूबी पंजाब है, इसमें तालीम का रेशो बाकी सूबों से भी कम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अपनी ही मादरी जबान में जो तालीम की अहमियत है या जो हमारे बड़े हैं या बच्चे हैं, तो गुर्बत है यहाँ जनूबी पंजाब में और जो है इसलिए बच्चे जो हैं वो ज्यादातर काम काज करते हैं, पढ़े की तरफ बड़ा कम तवज्जो है। बिल्कुल। तो उस पे भी प्रोग्राम कुछ करें, उनके वालदैन के इंटरव्यू करें, बच्चों से भी पूछें कि उनको क्या मसाइल हैं। खास तौर पर हमारे जो इलाके में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक पहुंचते हैं, आगे जो है वो 10-12% 15% की रेशो होते हैं, आगे नहीं जा सकते। एक तो गुर्बत है और दूसरी तालीम से नाशनाई है। बिल्कुल नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ी अहम ये हमारा टॉपिक है और ये बड़ी हमारी लम्हा फिक्रिया भी है। आप सुनिए प्रोग्राम, हम इसमें आपसे बात करते हैं जी। सर वही बात जिस पे हम भी बात कर रहे थे, हमारी माशर्ती लिहाज से जो हमें होना चाहिए था, जो हमें अब काफ़ी अरसा हो गया, हमारे पास सहूलियात भी, सर हम क्यों कहते हैं हमारे पास सहूलियात नहीं है, हमारे पास हैं सहूलियात। हम अपनी सी कोशिश तो करके देखें, हम खुद से करके तो देखें एक दफ़ा, हम अगर देखा जाए तो माँ बाप का भी फ़र्ज बनता है। हमारी हुकूमत ने बहुत प्रोग्राम दिए हैं सर, मैं कहती हूँ एजुकेशन के लिए इतने इकदाम किए गए हैं जो कि हमारे सामने हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि सब टीचर्स हैं, जिसमें तो मुझसे बेहतर कौन जानता होगा कि सब बहुत सहूलियात है, लेकिन यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है सबसे पहले माँ बाप का भी। बिल्कुल, कि वो छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो ऐसी ना करें कि बच्चों को उल्टा हमें काम की तरफ धकेल दिया जाता है। जी बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि वालदैन का किरदार क्या है बच्चे की परवरिश में और उसकी तालीम में। अभी हमारा एक खूबसूरत कॉलर जो है बड़ी अच्छी गुफ्तगू को कर रहा था कि जिसमें उन्होंने निशानदेही की है कि जिस खित्ते में आप मौजूद हैं वहाँ की ज़ुबान जो है वो ज़रिया तालीम होनी चाहिए। उससे भी पहले की बात है कि जैसे हम मादरी ज़ुबान कहते हैं, जो अगर आप उमूमी उसकी तारीफ़ करें कि वालदा की तरफ से जो ज़ुबान बच्चे को मिलती है, बल्कि इस तारीफ़ का और दायरा थोड़ा सा वसी करें जो उस खित्ते और वसीब की ज़ुबान है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि आपकी बाकायदा उसमें तालीम के सिलसिले जो आगे बढ़ें, उसके शऊर के लिए यह बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप बच्चे को उसकी मुकामी ज़ुबान जिस खित्ते में वो मौजूद है, अगर उसमें कुछ चीज़ों के नाम आप नहीं बताएंगे, मौसमों के नाम नहीं बताएंगे, अशिया के नाम नहीं बताएंगे, परिंदों के नाम नहीं बताएंगे, तो एक बहुत बड़ी वोकैबुलरी, बहुत बड़ा एक इल्म जो है उससे आप महरूम कर देंगे। तो पहला तो वालदैन के लिए यही ज़रूरी है कि बच्चा जिस ज़ुबान में ज़्यादा सहूलत महसूस करे तो उसमें उस मुकामी लिहाज से चीज़ों को उस की अपनी परवरिश का हिस्सा बनाना चाहिए। और आप ये देखें कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक लोक दानिश मौजूद है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं जी कि बहुत ज़्यादा एक शिद्दत पसंदी आ गई है, इंतहा पसंदी आ गई है, तो ये महज कोई और इसकी हो सकता है कि बहुत सारी और भी इसके सियासी या दीगर कोई वजूहात हों, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जो नरम दिली, वो जो एक शफकत का पहलू, जो उसके अंदर एक गुजास की चीज़ें जो, वो मुकामी दानिश के साथ जब तक आप उसको नहीं जोड़ेंगे तब तक, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा
एक ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि वो बहुत अच्छे अंदाज में एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं बच्चे की कि वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए बहुत मुफीद हो सकती है। और इसमें ज़्यादा किरदार जो है वो वालदैन का। सर बहुत खूबसूरत बात की है आपने, और ये आप, मैं चाहूँगी कि इसको एक मैसेज समझा जाए हमारी तरफ से कि आजकल जो सबसे बढ़ता हुआ, मैम से बात करना चाहूँगी यहाँ पे, सबसे बढ़ता हुआ एक अमल देख रहे हैं हम, जो कि हमारी बहनें, हमारी ख्वातीन ज़्यादातर आजकल हमें नज़र आती हैं, तवज्जो कमी बच्चों पे। वो कमी हमारी तरबियत में भी है, वो हम एजुकेशन में भी दे रहे हैं, वो हम बहुत सारी चीज़ों में दे रहे हैं, और एंड पे हम किसी ना किसी और चीज़ को ब्लेम करके उसको साइड कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम उस पर? बहुत शुक्रिया शाने ज़ैनब, आप मैं माशाल्लाह गुफ्तगू सुन रही थी और बहुत अच्छी बातें की आपने भी। मैं आपके सवाल से पहले थोड़ा सा, आपने जब कायदे आज़म की बात की तो मैं उस वक्त चाह रही थी कि मैं एक बात करूं कि हम ये बात करते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक हमें विज़न दिया और सारी चीज़ें जो एक जैसे उन्होंने स्ट्रीम लाइन एक हमें बना के दे दिया कि आप इस तरीके से हम आगे ग्रो कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि हम उससे थोड़ा सा पीछे अगर जाएँ ना, हम देखें तो जब ब्रिटिश राज आया था तो सब कॉन्टीनेंट में तालीम का रेशो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश, अगर हम उसके साथ देखें तो डेलिब्रेटली ये कोशिश की गई मुग़लों के दौर तक तालीम के ऊपर बहुत फोकस था, मदरसे हों, उनके अपने जो हिंदू धर्म के जो भी इदारे हों। एक और चीज़ भी हमें इजाफा कीजिएगा कि अगर ये सही है कि वहाँ पे एजुकेशन दो किस्म की होती थी, एक हमारी जो बुक से होती है और एक हमारी तरबियत के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से था, और दूसरा जो है वो फोकस थे टूवर्ड्स द एजुकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल हर तरह की तालीम के लिए, और सब कॉन्टिनेंट में पढ़े लिखे लोगों का रेशो बहुत ज़्यादा था। बाकायदा प्लानिंग करके हमारा कोर्स करिकुलम चेंज किया गया, हमें बुकिश नॉलेज की तरफ लाया गया, और हमें अल्टीमेटली आप देखें अगर मैं उसको रिलेट करती जाऊँ आज के दौर से, डॉक्टर साहब भी मेरी बात से एग्री करेंगे, हम जो इम्तिहान लेते हैं ना वो काबिलियत का इम्तिहान नहीं है, हम याददाश्त का इम्तिहान लेते हैं, मेमोरी टेस्ट है हमारे एग्जाम सिस्टम। देखें आप बच्चों के 1100 में से 1100 नंबर कैसे आ सकते हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है, आप वर्ड टू वर्ड, आप उर्दू इंग्लिश, हम जब पढ़ते थे हम स्टूडेंट्स थे हमारी अंडरस्टूड सी बात होती थी, आप जितना मर्जी बेहतरीन लिख लें आप उर्दू और इंग्लिश में उतने नंबर ले नहीं सकते, क्योंकि आपका हमें आप एक्सप्रेशन में उस लेवल तक जा ही नहीं सकते। एक मैट्रिक का बच्चा, एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट, वो किस तरीके से उस लेवल की इंग्लिश या उर्दू प्रोज या पोइट्री या कुछ भी लिख सकता है, नसर में तशरी में, वो उसकी वोकैबुलरी उस तरीके से हो ही नहीं सकती। लेकिन आज आप देखें आपके बच्चे उर्दू में 100 में से 100 नंबर लेते हैं। मैं बीइंग पेरेंट, मेरे बेटे के उर्दू में जो है 100 में से 100 नंबर आए, मैं तो जाके टीचर से नाराज़ हुई, मैंने कहा आप कैसे उसे 100 में से 100 नंबर दे सकती हैं, वो इतना बेहतरीन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, आप इवेलुएट तो करें ना, आपने स्टैंडर्ड ही डिफरेंट कर दिए हैं। हम एजुकेशन की, लैंग्वेज की, इस वसेब की, जनूबी पंजाब की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि हमारी जो मादरी ज़ुबान है हमें उसमें गुफ्तगू करनी चाहिए, वोकैबुलरी प्रोड्यूस करनी चाहिए। एक बच्चा 5-7 साल की उम्र तक 5 से 7 ज़ुबानें एट अ टाइम सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है। हम सिखाते ही नहीं हैं बच्चों को, हम इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, हम कारी रख लेते हैं, हम उसको अरबी भी एटलीस्ट पढ़नी तो सिखा ही देते हैं ना, चाहे उसको कुछ समझ नहीं आ रही है, वो उसका तलफ़्फ़ुज़ भी सीख जाता है, वो उसकी तजवीद भी सीख जाता है, उसको इंग्लिश एक्सेंट आ जाते हैं, उसको उर्दू बेहतरीन बोलनी आ जाती है। व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेजेस व्हिच आर द लैंग्वेजेस ऑफ दैट एरिया। हमारे घरों में मैं बीइंग एक फैमिली मेंबर, मेरे साथ बहुत कम सराइकी बोलते हैं मेरे फैमिली मेंबर्स, एल्डर्स आपस में बोलते हैं, वो बच्चों के साथ ना बोल के उनको हम इस तरह से यूज टू कर देते हैं कि वो चाह के बिना प्रॉपरली नहीं उसको कर पाते। बिल्कुल, और तालीम की हम फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सहूलियात हैं, सारी चीज़ें, लेकिन आप यकीन करें, आप जब बात कर रही थी ज़ैनब तो मुझे ना एक अपनी मेमोरी याद आ रही थी, जब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ये 1999 की बात है, ऐसे लगता है पता नहीं अजमना कदीम का मैं जिक्र कर रही हूँ, तो आलमोस्ट आप समझें तकरीबन 25 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। तो तब भी यूनिवर्सिटी की बसों पे लिखा होता था तालीम को फीसद 4 दो, कौम को सुधार दो, वो आज भी लिखा हुआ है, आज भी तालीम को 4% नहीं दिया गया, अभी भी खेंचतान के ऑलमोस्ट हम 2% भी पूरे नहीं है। हमारे बजट में हम कितना फोकस है टूवर्ड्स एजुकेशन, आप देखें डिफेंस पे देखें हमारा मैक्सिमम जाता है बजट का हिस्सा, तालीम पे हमारा कितना फोकस है।
प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छी बात है, आप करें, आपको मुकाबला आता है, आप मार्केट में आपके कंपटीटर आते हैं, आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैं अगर अपने आप को इवैल्यूएट करूं, जब मैं यूनिवर्सिटी में मेरी इंडक्शन हुई थी, मेरी तब एक टीचर्स ट्रेनिंग हुई थी, 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे, मेरी कोई अपग्रेडिंग नहीं हुई है। मैं जो अपग्रेडिंग कर रही हूँ वो मैं खुद कर रही हूँ, मैं खुद से एफर्ट पुट कर रही हूँ, वरना कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो मुझे ये आवाज़ भी तो हमने ही देनी है। मैम बड़ी खूबसूरत बात आपने की, आपके उससे चले हमारी भी नॉलेज में इजाफा हुआ है, लेकिन ये आवाज़ भी तो हमने ही उठानी है, हमने ही बताना है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमने सीखनी है। बिल्कुल, बहुत तालीम का आलमी दिन है और उस पर हमें इस बात पे ख़ास तौर पे ये सोचने की भी ज़रूरत है और कोई अमली कदम उठाने की भी ज़रूरत है कि हमें तालीम सिर्फ बात करके हम उसके ऊपर हम बात करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, हर कोई अपने अपने प्लेटफॉर्म पर करता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर कोई ख़ास कदम अभी तक उठाया नहीं गया। और ये कोई शायद 2015-16 की बात है कि तालीम के लिए 20% का वो अंदिया दिया गया कि इसको फोकस किया जाएगा, ताहाल उसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं है। तो हमें तो यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा जाता है अपनी इनकम खुद जनरेट करें, अपने खर्चे खुद पूरे करें, तो हम तालिब इल्म पैदा करने वाले लोग हैं, हमने उनको अगर हमने साथ साथ अपनी मनी भी जनरेट करनी है तो साथ हम एक दुकान भी खोल लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन इस बात पे भी मैं ये एक्सेप्ट करके ऐड करना चाहूँगी कि हमें वाकई पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ करना लाजिम चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तालीम के साथ आपका हुनर होना लाजिम है। सर अब हम आते हैं आपके असल फ़न, आपकी असल कलम, आपके असल अल्फाजों की तरफ, आपकी किताबों की तरफ, आपकी शायरी की तरफ। सर बताएं। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक कलम का ताल्लुक है, पता नहीं कुछ लिखा है या नहीं लिखा। नहीं सर, आपकी बड़ी मशहूर किताब है ऐसे तो कोशिश हम बताएं, बल्कि हमारे मसीब को बताएं जी। बस जी। कोशिश की है कुछ चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो जाएं। और शुरू ही से मेरा जो मैदान रहा है तहकीक का, तनकीद का, या सोचने का या लिखने का, वो कल्चर के हवाले से रहा है। और मैंने कोशिश की है कि हमारे जो कल्चर या सकाफत के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनको शायरी के अंदर भी पेश किया जाए और इस हवाले से तहकीक भी की जाए। ठीक है। तो मेरी एक बुनियादी हवाला जो है मेरा, वो एक ऐसी तहकीक है जो दरिया चनाब के किनारे मैंने एक सफ़र किया था, 2006 की बात है, और हेड त्रिमो जो ज़िला झंग में है वहाँ से लेके मुजफ्फरगढ़ तक ये 300 किलोमीटर मैंने पैदल सफ़र किया था। बिल्कुल, मैं अगर कहूँ ये आपकी एक तरह से पहचान भी। जी जी बिल्कुल। और उसमें कोशिश की है कि दरियाई ज़िंदगी और दरिया पर बसने वाले लोगों के जो कैसे सोचते हैं, मल्लाह उनकी ज़िंदगी कैसी है, जबेल वहाँ पर रहते हैं, मोर कबीला है, मोर कबीले पे फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, वीडियो डॉक्यूमेंट्री। तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो उससे पहले हमारी किताबों के अंदर मौजूद नहीं थी। और उस वक्त एहसास हुआ कि बहुत सारा, ख़ासकर यहाँ पर सरायकी वसेब में, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मंजर आम पर नहीं आया। यहाँ का मुहावरा भी लोगों के सीनों के अंदर मौजूद है, अखान मौजूद हैं, पहेलियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, और अभी तक उसको खोजा नहीं गया। और अब जबकि मीडिया की यलगार जो है वो बाकी चीज़ें भी सारी आ गई हैं, और पुराने बुज़ुर्ग भी अब ज़ाहिर है कि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अभी भी इस तरह के काम करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये पहले तो बड़ी ज़ोर से फरमाइशें आ रही हैं और हमारी टीम की तरफ से आ रही हैं कि हमें कुछ ना कुछ सुना दें मैडम, अब तो हमें सुना दें। और आपका लहजा इतना खूबसूरत है कि आपका, मैं कहती हूँ, बयान करने का और बताने का और पढ़ने का तरीका भी बड़ा कमाल होगा। ज़रूर सर, शायरी चलें जी, मैं कुछ चीज़ें आपको सुनाता हूँ, एक दो चीज़ें पंजाबी की और एक उर्दू की। सड़कां उत्ते भजन लोग, सड़कां उत्ते भजन लोग, अपने आप नूं लभण लोग, सड़कां उत्ते भजन लोग, अपने आप नूं लभण लोग, ज़ुल्मां खबरे अन्ना कीता, कंधां दे नाल वजण लोग। कमाल सर, आला। ज़ुल्मां खबरे अन्ना कीता, कंधां दे नाल वजण लोग, ते बदल जांदे ने मौसमां वांगू, जेठ हाड़ ते फगण लोग। वाह सर, कमाल कमाल। और एक नज़्म है
चूँकि मेरा ताल्लुक़ गांव से है तो मेरा अपने गांव का एक मुशाहिदा है ज़िंदगी का, तो उसको एक नज़्म पे पेश किया है मैंने। मेरा गांव ऐसा गांव है जहां कई ज़मानों की जमी हुई काई को खुरचने का इरादा कर लिया गया है। बैलों की जोड़ियां गड्ढे से आखिरी मुसाफा कर चुकी, खुशी मोची की दुकान में रखे हुए बेंच पर सिर्फ 3 लोगों के बैठने की गुंजाइश रह गई है। कह के बखेरने वाला ताज मिरासी अपनी ज़िंदगी पर हंस रहा है। हाफिज़ उमरदीन बगल में इमामत की छड़ी दबाए गांव से दूर भाग रहा है। बाबे निक्के शाह की दरगाह पे दूध पिलाने की रस्म दम तोड़ चुकी है। बीबीसी से नशर होने वाली खबरों पे मेरे गांव के लोगों का एतमाद घटता जा रहा है। मिटने के खौफ से कच्ची दीवारों से पक्की दीवारों पर मुंतकिल हुए लफ्ज़ बारिश को तरस रहे हैं। तलफ़ के हेर फेर ने मेरा जख़ीरा अल्फाज कम कर दिया है। ताश खेलने वाले 8 बूढ़े हाथ आखिरी बाजी हार चुके हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ कि ये वाकई आप सुना रहे थे, मैं कहानी में चल रही थी क्योंकि हम सब का ही ताल्लुक कहीं ना कहीं गांव से तो बनता ही है। हम हमारे इलाके ही हमारा असासा रहे और हैं। सर, हम बात कर रहे थे किताबों की, आपकी अब तक कितनी बुक्स आ चुकी हैं, उनके नेम भी बताइएगा। किताबें कुछ ज़्यादा नहीं, 4 किताबें हैं जिसमें चनाब किनारे है, एक सुरीली बांसुरी के नाम से मैंने लोक कहानियों का इंतखाब शाया किया था, इसी तरह कल्चर और तहजीब के हवाले से कुछ मजामीन को यकजा किया था, फिर डॉक्टर खुर्शीदुल इस्लाम है उनकी मशहूर किताब है तनकीदें जो नायाब थी उसको दोबारा एडिट किया है, इसके अलावा डॉक्टर अनवार अहमद साहब हमारे उस्ताद भी हैं और इस खित्ते का एक मोतबर हवाला है, उन्होंने एक रिसाला जारी किया था 3 जुबानों में, उर्दू सराइकी और पंजाबी में और बल्कि हरियाणवी, 4 जुबानों में, और उनका मैसेज यही था जी कि ज़ुबानें जो हैं वो सांझी होती हैं और जिस तरह परिंदे और हवा और मौसम सांझे होते हैं इसी तरह ज़ुबानें भी सांझी होती हैं। तो उन्होंने एक मैसेज दिया था शहर में एक मोहब्बत का, एक मोहब्बत के गुलदस्ते का, तो उसमें जो पंजाबी सेक्शन था वो मेरे ज़िम्मे था, वो मैं एडिट करता था, तो ये थोड़ा बहुत काम है। तो बाकी ये है कि हमेशा ये कोशिश की है कि जो कि मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी के साथ है, बहावलपुर यूनिवर्सिटी यहाँ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में भी 3 साल मैंने पढ़ाया है और अब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हूँ, तो मैं जो भी एमफिल या पीएचडी की सतह के जितने भी तहकीकी काम हैं कोशिश करता हूँ कि खित्ते के साथ उनको जोड़ा जाए। जी, जैसे मैंने एक स्टूडेंट से काम ये करवाया था कि राजनपुर एक ऐसा इलाका है जो एक संगम पे है सराइकी वसेब के, और वहाँ पर सिंधी और बलोची के भी असरात हैं, तो मैंने उस तालिब इल्म से कहा कि ज़रा मुतालिया करोगे यहाँ की रस्में जो हैं बाकी वसेब से कितनी मुख्तलिफ हैं। इसी तरह एक भक्कर का स्टूडेंट था हमारा, तो मैंने उसे कहा यार भक्कर की शायरी में से भक्कर तलाश करो आप। इसी तरह और भी हमारे कुछ तालिब इल्म थे, तो रोही पे मैंने काम करवाया है, वहाँ का जो लोक अदब है उस पर एक तालिब इल्म को काम दिया था। तो इस तरह करके मेरी कोशिश यही होती है कि क्योंकि तहकीक असल में यही है कि आप उस जिस खित्ते में आप मौजूद हैं वहाँ की चीज़ों को कितना आप सामने ला सकते हैं, तो ये कोशिश है और जारी है इंशाल्लाह। ये कोशिश आपकी और इसी तरह के उस्ताद अगर हम सबको आगे भी मिलते रहे सर, आपकी कोशिश है और हमारी कामयाबी साथ साथ हमें बहुत कुछ सिखाएगी। मैम, आपका सफ़र, तालीम का सफ़र जो कि बहुत खूबसूरती से आपने निभाया है, 15 साल से आप तालीम को फ़रोग दे रही हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके हाथों से इतने कामयाबी से पढ़ कर गए होंगे, क्या समझती हैं कि एक लड़की के लिए, मेरी नज़र में अगर मैं एक बात कहूँ, एक लड़की का पढ़ा लिखा होना भी हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में एक उसकी कामयाबी है, क्योंकि घर से बाहर निकलना और चाहे वो तालीम के लिए क्यों नहीं, आसान नहीं है। आपका भी ये सफ़र आसान नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाहेंगी जो आपने मुश्किल देखी और आपके लिए वो टफ था लेकिन आपने वो कर लिया? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शान-ए-ज़ैनब जिनको मैं मेंशन कर सकती हूँ।
बीइंग फीमेल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ख़ास तौर पे जब, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली सदी में दाखला लिया यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त तो बहुत कम लोग जो है बच्चियां ख़ास तौर पे इस लेवल तक की तालीम हासिल करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग ये रही कि मेरी अपनी फैमिली, मेरी मदर टीचर रहीं और पेरेंट्स की सपोर्ट रही, सब फैमिली में सब लोग पढ़े लिखे थे। ग्रैंड पेरेंट्स, इवन मेरे दादाजी जो हैं वो अपने दौर के स्कूल के हेडमास्टर थे, जो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। तो नाना जी भी इसी तरह से, तो वो एक फैमिली में ये चीज आ रही थी कि तालीम जो है वो सबसे पहले है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो मुझे फैमिली की तरफ से ये वाली तो हर्डल कहीं पर थी नहीं कि मैं आगे पढ़ूँगी, यूनिवर्सिटी जाऊँगी तो कोई मसला होगा। लेकिन जो बात आप कह रही हैं ना माशरे की, वो वाकई में एक चैलेंजिंग था कि आप जो है बसों पे जा रहे हैं, जब टोयोटा मोटर्स के बाद जो है जंगल शुरू हो जाते थे, बाग ही बाग होते थे, हमने तो वो सारे बाग भी खत्म होते देखे अपनी आंखों के सामने। और इन सर्दियों की रातों में तो 3 बजे के बाद ऐसे लगता था कि बस आप पता नहीं जिंदा वापस पहुंचेंगे शहर या नहीं। तो काफी सारे चैलेंजेस थे, लेकिन ब्लेसिंग ये रही कि हमेशा इर्द गिर्द सपोर्ट करने वाले लोग रहे, चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो फैमिली हो, दोस्त हों। और डेफिनेटली आप बीइंग हमारी सोसाइटी में, जाहिर है लड़कियों की शादी हो जाती है तो फिर आपको अपनी फैमिली जो है हस्बैंड और उनके साथ वो करना पड़ता है। मैंने जब एमफिल में एडमिशन लिया था तभी मेरी शादी हुई थी, और ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, और मैंने अपना करियर भी शादी के बाद स्टार्ट किया, एजुकेशन, एमफिल, पीएचडी और जॉब, ये सारा कुछ। तो वो अगर ये तो आपको बहुत जबरदस्त बात है मैम, ये तो ये क्रेडिट जाता है उनको। अगर ये फैमिली या घर की तरफ से मुझे ये ना मिल रही होती सपोर्ट, देखिए पेरेंट्स तो होते ही हैं ना आपको सपोर्ट करने के लिए, वो तो हमेशा से होते हैं। लेकिन एक लड़की के लिए हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है शादी के बाद उन सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग रही कि मुझे वो हर्डल का सामना नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची। जो आप बात कह रही है ना एजुकेशन में मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ बीइंग फीमेल, बल्कि इसी के साथ आप ऐड करें क्योंकि इसी को आप एज अ मैसेज, मैम आज आपका यहाँ आने का मकसद मैं चाहती हूँ हमारे लिए पूरा हो, वो बच्चियाँ उनको मैसेज दें, क्योंकि हमारे पास टाइम ही आज का सबसे बड़ा मसला हम सब का, कि हमारे पास टाइम ही तो नहीं है और पता नहीं ये टाइम जा कहाँ रहा है। इसी तरह हमारे अभी यही मसला है कि अगर आप मुझे बोलने का मौका दें तो मुझे पता है कि टाइम टाइम जा रहा है। ये जो हमारे स्क्रीन हमारे आगे है ना, ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसने हमारा मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर लिया है। हम लोग तालीम की बात करते हैं और वो तालीम की बात हमारी डिग्रीज तक महदूद रहती है। हम क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे कि 62% रेशो के बावजूद हम देखें हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं और कोई फ्यूचर उनको नज़र नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम सिर्फ डिग्रीज के ऊपर फोकस करते हैं, जो आपने भी बात की कि हम स्किल ओरिएंटेड नॉलेज या उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। हमारे तालीमी इदारों में नहीं है। आप देखें अगर हम पाकिस्तान के ही, अगर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है और दूसरी हम चीज़ें देखें, तो तालीम का बुनियादी मकसद क्या है, लोगों को नॉलेजफुल और स्किलफुल बनाना। तो हम नॉलेज भी नहीं दे रहे, स्किल तो दे ही नहीं रहे ना, हमारी सिविक है ही नहीं। हम अपने स्कूलों में बच्चों को ये भी नहीं सिखाते बेटा आपने थूकना नहीं है, आपने कागज़ बाहर नहीं फेंकना, आपने अपने घर का कूड़ा निकाल के बाहर नहीं रख देना, और आपने कोई स्किल सीखनी है। जो हमारे कंपटीटर्स हमारे साथ के, आप देखें इंडिया और हम एक साथ आज़ाद हुए ना, इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दे आर फोकस टूवर्ड स्किल, सिर्फ डिग्रीज पे फोकस नहीं है। तो पूरी दुनिया में हर वो कौम जो तालीम के साथ हुनर हासिल करती है वो ज़्यादा जल्दी तरक्की करती है। बहुत खूबसूरत बात मैम, कि ये आपका वो मैसेज है जो कि हम सबका मैसेज है कि सर तालीम के साथ साथ स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या दिल की बात कहना चाहेंगे वसीब को? पहले तो मैडम ने जो भी बात की, हाँ थोड़ा जी करना चाहूँगा कि अब अगर हम बुनियादी तौर पर अपनी जो एजुकेशन है उसको दो हिस्सों में तकसीम करें तो एक साइंस है और दूसरी सोशल साइंस है। बदकिस्मती से हमारा जो पिछले कुछ अरसे में सोशल साइंस वो पहलू जो है वो इतनी प्रायोरिटी में नहीं रहा ना गवर्नमेंट की तरफ से रहा है ना पेरेंट्स की तरफ से रहा है, क्योंकि आगे जॉब्स के जो मौके हैं
वो साइंस के ही मज़ामीन हैं, साइंस के ही मज़ामीन। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि सोशली हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि जितना भी है साइंस आपके साथ मुकालमा नहीं कर सकती। साइंस आपको फैसिलिटेट करती है, सहूलतें देती है आपको, लेकिन इंसान के साथ मुकालमा नहीं कर सकती। सिर्फ सोशल साइंस ऐसा मज़मून है कि जो नब्ज़ पे हाथ रख के बता देता है समाज के कि तकलीफ़ कहाँ है। तो इसलिए हमारी बाकी तालीम के साथ साथ जो हमारी जो सोशल साइंस है उसको भी तालीम का हिस्सा किसी न किसी तरह बनाना पड़ेगा। और ख़ासकर जब हम इस दौर से गुज़र रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जिसमें हमें नहीं पता कि हमारा अख्तियार क्या है, क्या है और हमारा जहन जो है वो किसके कब्ज़े में है। ये आप स्क्रॉल करते जाते हैं मोबाइल पे और फिर आपकी ऐसी हैबिट बना देता है, जो बना देता है। हैबिट नहीं बल्कि मैं कहूँगा वो नशा है, नशा है। एक नशा वो है जो आप करते हैं, दूसरा नशा तो एक ये नशा है। और फिर आपको उसी के तहत जो वो दिखा रहा है, आप 24 घंटे एक चीज़ को देख रहे हैं, आपका जहन भी वही बन रहा है, बिल्कुल, क्योंकि आप उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। हकीकत बात है। तो इस में जो एक टीचर है, जो एक उस्ताद है, उसका रोल क्या हो सकता है इस बदलते तनाजुर में? ये हो सकता है बहुत से असाज़ा इस हवाले से खुद ना जानते हों कि हमारा रोल क्या है। जैसे अभी मैडम ने कहा कोई ऐसे रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं असाज़ा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं कि वो मज़ामीन के हवाले से सिर्फ हों, बल्कि ये है कि अब तालिब इल्मों की जो ज़हनी कैफियत है, जो उसकी किस तरह सोशली उनको माशरे के लिए मुफीद बनाना है, तो अब उनके साथ कैसे मुकालमा होना चाहिए, कैसे गुफ्तगू उनके साथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने देर कर दी, क्योंकि ये ज़माना जो हमारे सामने खड़ा है, तो ये तो मतलब आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि सिर्फ 400 बंदे काम कर रहे हैं उस पर, इतना बड़ा है, और बाज़ दफ़ा वो 400 बंदों को भी नहीं पता कि मशीन क्या कर रही है। सर बहुत खूबसूरत बात। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, बड़ी मजबूरी होती है, बड़ा ही मुझे वो करना पड़ता है, जब मुझे बात को समेटना पड़ता है, लेकिन हम भी मजबूर हैं। लेकिन आप दोनों की बात हम सबके लिए एक मैसेज है। और नाज़रीन गिनतो एक छोटा जहा ब्रेक, ब्रेक तो बाद दोबारा आके एक नवे मेहमाना गालती थे। वेलकम बैक। मेरा सोना वसीब, मेरा पढ़ा लिखा वसीब, मेरा कामयाब वसीब, मैं आखा मेरा बाशऊर वसीब, ये सारा कुछ आज खुश बैठी हाँ। तो मैं अपने आप को बड़ा पावरफुल फील करें दी बैठी हाँ, क्योंकि अगर आज तुसा देखो तो मेरी जड़ी खूबसूरत मेहमान हैं, मेरे एक साइड से भी दूसरी साइड से भी मेरी खूबसूरत मेहमान ओ वाली फीमेल्स, ओ पावरफुल वुमेंस हैं जिन्हा ने अपने आप को कामयाब किया है, पढ़ के लिख के बाशऊर होके अपना नाम भी बनाया है, अपने रिवायात को भी कायम रखे है, अपने घर वालों को भी कामयाब किया है। कितनी सोहनी गल है। अज तुसा देखो अपने शोए च मेरे नाल इन टाइम मौजूद हैं मैम ताहिरा रफीक, एजुकेशन ऑफिसर हैं, तो माशाल्लाह इन्हां नाल गाल करके अज मैं को उस्तादां दी फीलिंग ही कहनी आँदी पई, इतना पोलाइट लहजा, इतना गल करन दा मिठा अंदाज। मैम क्या हाल है, ठीक हैं आप? जी अलहमदुलिल्लाह, शुक्रिया। इन दे नाल मैं तो आपको यंग टैलेंट पढ़ा लिखा बाल लिखा वहाँ पढ़ी लिखी सारी वो बच्ची जो सारी किते बेहतरीन मिसाल है कि पढ़ना सारे वसेब किते औखा कहनी, तो सा कोशिश तो करो, हिम्मत तो करो, तो सा पढ़ गिनसो। मेरे नाल मौजूद हैं फरत चुगताई, एम फिल स्कॉलर हैं स्ट्राइकी स्टडीज सर्कल। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस कर रही हैं मैम आप यहाँ पर आके, अपने शो में आके, आज के दिन आके, जब हम बात ही तालीम की कर रहे हैं, जब हमारे पास टॉपिक ही तालीम का है, जो कि मेरे ख्याल से आपका पैशन है, आज आप यहाँ पे बैठी हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बिल्कुल परफेक्ट डे है एक, और मेरे शोबे से, मेरी जॉब से, मेरी सर्विसेज से बिल्कुल रेलिवेंट है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज के दिन यहाँ पर
अपनी बात करूंगी। मैम अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी मुजफ्फरगढ़ में काम कर रही हूँ और हमारा मकसद जो है बेसिकली आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लेकर आना है। आपको जैसे पता है कि अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है इतने ज़्यादा बच्चे के आपके स्कूल से बाहर हैं, हम ऐसे बच्चों पे ही काम कर रहे हैं। इसी तरह 76 लाख का हमारे पास एक फिगर आया है जो कि हमारे होल मुल्क का एक आया मुल्क है। बिल्कुल बड़ा नंबर है। बिल्कुल हम लोग जैसे जनूबी पंजाब में काम कर रहे हैं, लिटरेसी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैं पहले तारुफ करवाना चाहूँगी कि पूरे पंजाब में इनके स्कूल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 3 किस्म की एजुकेशन दी जाती है, मतलब फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो हम मदरसे से या फिर घर में या मस्जिद से हासिल कर लेते हैं। जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो बाकायदा हम स्कूल्स जैसे बने हुए हैं उनमें जाके हासिल करते हैं। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है जिसका बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है, हम उसको ब्रॉडर सेंस में देख रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बहुत काम किया हुआ है। और ये स्कूल जो होते हैं होम बेस्ड होते हैं। ओके, जैसा कहीं पे स्कूल मौजूद नहीं है हमारा गवर्नमेंट का, और कई कल्चर बैरियर हैं, दूर दराज का इलाका है और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कूलों से दूर हैं, डिप्राइव्ड एरियाज हैं। इन स्कूल इन जगहों पे स्कूल बनाए जाते हैं और वहाँ पे उसी बस्ती से कोई पढ़ा लिखा बच्चा या बच्ची वहाँ पे टीचर अपॉइंट कर दिया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किताबें, कापियाँ, स्टेशनरी और जो है टीचर के लिए टेबल, चेयर, वाइट बोर्ड, साइन बोर्ड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। वाओ, देखिए अभी आपसे पहले वाले मेरे मेहमान जो थे उनसे मैं ये बात कर रही थी कि हमारी हुकूमत ने हमेशा वो सपोर्ट किया है, उन्होंने तालीम को फ़रोग किया है। बिल्कुल, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमारा भी एक बशहूर शहरी बनने का खुद के लिए कुछ जिम्मेदार होना ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, ऐसा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, या अवेयरनेस, मैं बात करूंगी अवेयरनेस, अन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कि आपके करीब देखिए गवर्नमेंट का एक सेक्टर, आई थिंक सो कि आपके नॉलेज में ही पहली बार आ रहा होगा। नहीं, मेरी नॉलेज में ये 2 दिन पहले आ गया था जब आपने आना था। बिल्कुल, थैंक यू। वही ना कि इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों के, गाँव में, देहात में, ये बहुत कच्चे के इलाकों में स्कूल बने हुए हैं। और अब जो नया गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया यूनिसेफ के तआवुन से जो हम काम कर रहे हैं उसमें 8 से 14 साल के बच्चे और बच्चियों का एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। माशाल्लाह मैडम, ये वो बच्चे हैं 8 से 14 साल के जो कि स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूल छोड़ किसी वजह से, प्रॉब्लम से, घरेलू हालात से, मौशी हालात की वजह से। तो इन बच्चों को दोबारा से स्कूल में लाया जा रहा है और 32 मंथ्स में इनको प्राइमरी की एजुकेशन दी जा रही है। लोगों को अवेयरनेस कैसे दी जाती है जब स्कूल बनता है, उनको कैसे बताया जाता है, इसके लिए क्या तरीका? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। बिल्कुल, इसमें इस बार तो वैसे हमने अखबार में दे दिया था कि ये इस तरह के स्कूल ओपन करने जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो है आप लोग अप्लाई करें। लोगों ने अप्लाई किया, इसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिटरेसी डिपार्टमेंट में जो हमारे लिटरेसी मोबिलाइजर्स हैं जो फील्ड में जाके काम करते हैं, वो वहाँ पे कम्युनिटी मीटिंग्स करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, देन दे विल स्टार्ट, देन दे विल एग्री टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन स्कूल्स। सर मैं कहती हूँ मैम, बड़ी ही खूबसूरत आपने बयान किया, हमारे लिए आज का प्रोग्राम बहुत ही हमारी आवाम के लिए बहुत ख़ास था। थैंक यू। अभी आपसे बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन लेंगे क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हमारे अगर किसी को नहीं भी पता तो ये बात पता चल जाएगी। इसमें तो आप जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तालीम भी दे रहे हैं हम, हुकूमत हमें जॉब भी दे रही है, 2-3 चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। बात करेंगे आपसे, माशाल्लाह से बहुत बाहिम्मत लड़की हो आप, बड़ी खूबसूरत अंदाज से आपने अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रेजेंट किया है। कैसे हिम्मत आई, क्या किया, कैसे सफ़र बताएं? इसके लिए बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको किरदार अदा करते हैं इसमें, कि अपने बच्चे को या ख़ास तौर पर बच्ची को इस स्टेज तक लाने में और उसको उसकी ग्रूमिंग करने में और उसकी जो है आप देखें शख्सियत को निखारने में, और इसमें दोनों पेरेंट्स में मदर जो है वो उसका ज़्यादा किरदार है। खूबसूरत बात, मदर का जो क्योंकि वो उनका बेटी के साथ ज़्यादा होता है वक्त गुजारना, और उनके यूँ समझ लें कि बेटी जो है वो माँ की ही शख्सियत की आईनादार होती है। हकीकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जैसी मैं मदर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ,
क्योंकि उनका जो ब्रेन है या जो उनको मुयस्सर ना आ सका वो उन्होंने मुझ में जो है वो किया है, उन्होंने मुझे इसको ग्रूम करने में कोशिश की है। तो इसलिए मैं और मेरे फादर भी माशाल्लाह वो भी बहुत, अब तो उनकी डेथ हो गई है लेकिन वो भी उन्होंने कभी मुझे बेटी जैसा वो नहीं किया, ट्रीट नहीं किया कि जैसे कुछ होते हैं लोग पुराने ख्याल के या वैसे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, भाइयों जैसा ही ट्रीट किया है बिल्कुल, और आगे बढ़ने में कभी रुकावट नहीं की। अच्छा फरहत, अभी तक कोई ऐसा मतलब आपने सोचा कि ये भी आपने ये भी करना था वो आपसे मिस हो गया हो आपकी स्टडीज से रिलेटेड, अभी आपने या किसी के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर ली हो वो स्किप हो गया हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती है अभी? नहीं, मैंने जो चाहा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल उसमें कामयाब हुई हूँ। और जस्ट ये है कि मैंने अभी रिसेंटली एमफिल किया है स्ट्राइकी में, तो अब BZU में जो है PhD प्रोग्राम नहीं है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि अब ये टाइम वेस्ट ना हो, मैं फौरन से इसको जो है वो कर लूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये वो जज्बा है जो कि हमें चाहिए, हमारी बच्चियों को चाहिए। मैम आपका एक्सपीरियंस बड़ा होगा, आपने क्योंकि ये देखें एक आपके पास वो फेस बैठा है, एक वो टैलेंट बैठा है, वो बच्ची बैठी है जो हमारे ही वसीब की है, उसकी अभी भी मंशा चाह हुब जिसको हम कहते हैं वो है पढ़ाई, पढ़ना है, और सल्यूट है ऐसे माँ बाप को, ऐसी तरबियत को जो कि इतनी खूबसूरती से अपनी बेटियों को पढ़ाई की तरफ राकिब रखते हैं। आप बताएं कि इन इलाकों में जब आप गई हैं तो आपने क्या महसूस किया है कि वाकई अभी भी हमें वो सफ़र करना पड़ रहा है, कि आप खुद भी इसी फील्ड से हैं कि बच्चियाँ भी पीछे, उनको हम नहीं देते हैं वो पोजिशन, वो एरिया नहीं दे पाते, वो गुंजाइश नहीं निकाल पाते उनके लिए जो उनका हक बनता है? नहीं, बच्चियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जा रही हैं। फिर जैसा कि आपको पता है कि एक लड़की की तालीम तो पूरे ख़ानदान की तालीम है, तो एजुकेशन की तरफ रागिब किया जा रहा है। ऐसे हमारे इस जो है साउथ पंजाब में इस तरह के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं भी देखती हूँ, फेस करती हूँ। और कल भी बल्कि मैं विज़िट पर थी तो 7 स्कूल के 7 घर था, हमने उससे पूछा कि अपनी बच्ची को आप इधर 7 वाले स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हो, तो वो आपस में रिलेटिव थे, अना का मसला। अब बच्ची से मैंने कहा कि आप इस स्कूल में आना चाहती हो, उसने कहा मैं आना चाहती हूँ। मैंने कहा मदर को बुला के लेकर मदर से बात की, उनके इस स्कूल में नहीं, वो दूर परे स्कूल है उधर भेजेंगे। ये देखिए इसमें लॉस किसका है, और फिर वो बच्ची दूर नहीं जाएगी। और मैंने कहा अब आप फिर स्कूल क्यों नहीं गए, दूर परे स्कूल में जाना था। और वो बच्चे कहते कि मेरे ना साइड पर दर्द है, तो कोई ऐसा दर्द वर्द नहीं था, वो उसकी मदर ने उसको कहा कि ये है। तो वो बच्चियों के लिए हर्डल सबसे पहले तो हमें उनकी माँओं को, हम कहते हैं ना कि मदर्स की एज गुजर गई है, हमें उनको, हमारे वैसे प्रोजेक्ट होता है अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स हम ओपन करते हैं जिसमें हम माँओं को एजुकेशन देते हैं। सबसे पहले तो माँओं की एजुकेशन ज़रूरी है, फिर बेटियों की डेफिनेटली। यही इसी टॉपिक पे ही बात करना चाहूँगी क्योंकि आज का हमारा जो दिन है इसमें हमारे हुकूमत की तरफ से हमारे सामने चीज़ें आ गई हैं, हमारी तालीम से रिलेटेड हमारी चीज़ें आ गई हैं, हमने बात कर ली तरबियत पे भी, लेकिन यहाँ पे एक रवैया जो आप ही ने बात की है कि वालदैन का वो रवैया, वो जिसको कहते हैं एक तरह से उसको इग्नोर कर देना तालीम को, और वो टाइम निकल जाना बच्चे की ग्रोथ का, उसकी बेस बनने का। बेस आप क्या समझते हैं कि बच्चे की जो बेस है वो किस एज में स्टार्ट होनी चाहिए, प्राइमरी की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल प्राइमरी में ही स्टार्ट हो जाती है, 5 साल के बाद उसकी जो है वो लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है वैसे तो 2-3 साल का बच्चा 250 तक वोकैबुलरी उसकी डिवेल्प हो जाती है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो उसकी वोकैबुलरी में इजाफा होता चला जाता है। और अगर हम, मैं तो एजुकेशन की हूँ, डिफरेंट हमने थेरीज पढ़ रखी हैं कि एक बच्चा जब फॉर्मल स्टेज में आता है तो वो बिल्कुल एक लॉजिकल थिंकिंग पे जो बात करना शुरू कर देता है। सही। तो ये जो एज है 8 से 14 साल की फोकस्ड एज है, आपको पता है इसी में बच्चे की भरपूर शख्सियत बनती है, या तो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है या नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो ये 5 अज़ला में अभी ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं, GP का ग्लोबल पार्टनरशिप एजुकेशन की तावन से, और यूनिसेफ जो है इसमें हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, जायका जो है वो हमें ट्रेनिंग दे रहा है, लिटरेसी डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के नीचे ये काम हो रहा है, और जिसमें हमारा फोकस बच्चियों के ऊपर ज़्यादा है कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में लेकर आए। और हम देख रहे हैं बड़ा अच्छा पॉजिटिव हमारे सामने इसका जो है रिजल्ट आ रहा है, इनके हमारी आवाम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अब बिल्कुल कर रही है, वो भी फॉलो अप कर रही है बिल्कुल। ये क्योंकि देखा जाए ना, अगर हम लेबर की बात करें, चाइल्ड लेबर की बात करें, अब जाके वो कंट्रोल में आया भी है,
किसी हद तक अब खुद भी लोगों को आता है कि नहीं हमने ये नहीं करना, इस तरह से हमने बच्चों को तालीम का फ़रोग देना है ना कि उनसे छीनना है। क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैं देख रही थी, दो तीन दिन पहले एक प्रोग्राम देख रही थी मैम, जिसमें एक बच्चा अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए वो किस तरह से पूरा सुबह से लेके शाम तक वो मेहनत करता था, उसके बाद वो अकेडमी जा के पढ़ता, देन वो अपने घर वालों के लिए भी रात को मजदूरी मेहनत करता कि वो फ्रूट की वो लगाता था स्टॉल, कि ये भी एक तरीका है लोग इस तरह भी तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि एक वो भी बच्चों का तबका पाया जाता है जो कि माँ बाप भी पढ़ाना चाहते हैं, हुकूमत की तरफ से भी है सब कुछ है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे वो ये भी है, ये बड़ा बिल्कुल ऐसा हाँ। तबका भी बच्चों का हाँ। लेकिन मैडम हम चाहते हैं कि जैसे आप बच्चों की तालीम हाँ। एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, अगर हम उनको इंसेंटिव दें, अगर हम उनको साथ में कोई स्किल दें, अब हालम खोलिए मेरा तो एक्सपीरियंस है, हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोग कहते हैं आप हमारे बच्चे को पांचवी करवाने के बाद कौन से अफसर लगवा देंगे। बात तो सही है, पांचवी की एजुकेशन हासिल करने के बाद वो बच्चे के पास कोई स्किल तो हो। अब मैं कल मैंने कम्युनिटी मीटिंग की है तो बच्चा एक मिला है, वो कहता है कि मैं कटिंग करता हूँ। अब मैं किस चीज़ की कटिंग, टेलर बन रहा हूँ, मतलब ये शाम को वो कहते हैं मुझे उस्ताद 100 रुपये देता है। अब अगर वो स्कूल में आ रहा है तो क्या स्कूल उसको 100 रुपये देगा? जाहिर है नहीं। तो स्कूल को चाहिए कि वो उसको थोड़ी सी पॉकेट मनी दे और इंसेंटिव के तौर पे उसको कुछ दे ताकि उसका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाए। तो कोई अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई नहीं, अभी हमारा इंसेंटिव वाला कुछ नहीं। जैसे ये बैग्स आ गए हैं, स्टेशनरी आ गई, फ्री बुक्स आ गई हैं और फीस कोई नहीं ली जा रही, ये अभी तक चल रही है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बार बार हर मीटिंग में ये आवाज़ भी उठाते हैं, हाई अप्स तक पहुँचाते हैं कि बच्चों के लिए कोई इंसेंटिव ऐड किया जाए। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात है और यही हमारा प्लेटफॉर्म तो है जिससे हमने मैसेज भी देना है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमने अपनों से ही कहना है ना, किसी और को जाके तो हम नहीं कहेंगे। इसमें आप क्या समझते हो कि कितना एक मानते हो कि जो भी हमारी तरफ से अभी कमी पेशी आ रही है तालीम को लेके, हमारी वो वाला अभी सिग्नल उसमें नहीं आया, डिजिट कमी में नहीं आ रहे, हमारे बढ़ते जा रहे हैं। आपने अभी कंप्लीट किया है, बड़ा फ्रेशली आप पढ़े हो जी जी। क्या समझते हो कि बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते उसमें किसका कसूर समझते हो? टीचर्स का, माहौल का, घर का? घर का तो हो सकता है, लेकिन बाहर आपको किसका माहौल समझ आता है? मैडम साहिबा ने बहुत खूबसूरत बात की है कि स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एजुकेशन के साथ। मेरी मदर ने मुझे हर तरह का स्किल जो एक लड़की के लिए होना चाहिए वो तमाम देने की कोशिश की है, ताकि ज़रूरी नहीं है एक ये हमने एक ट्रेंड समझ लिया कि एजुकेशन इतना पढ़ेंगे तो ये जॉब्स वगैरह नहीं, अर्निंग के लिए एक अलहदा से आपका माइंड होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे का। पेरेंट्स को ये बात देखनी चाहिए कि हमारा बच्चे का माइंड किस तरफ है। ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन में आप उसको मास्टर्स करवा लें, आप उसको बी एम फिल करवा लें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी में ही अर्निंग करना चाहे। उसका अपना एक माइंड है, उसकी अपनी एक सोच है, वो किस मतलब के किस उस पर बनाया गया उसकी माइंड सोच, और उसका माहौल भी काफ़ी सारा करता है। हाँ, पूरा माहौल डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप हाँ जी लेनी है तो आपको वहाँ पे जिस आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो आपको वहाँ पे भी प्रॉपरली वैसे माहौल मिलेगा तो आप कैच कर सकोगे ना। तो यही बात है कि आपको स्किल्स की भी आप पढ़ाएं भी सही और साथ में बच्चे को स्किल भी कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए, तो तभी जाके वो बच्चा अगर वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो उसमें ज़्यादा आगे जाएगा। बिल्कुल, तो साथ में उसको जो है वो एजुकेशन भी काफ़ी सारा सपोर्ट करेगी, तो उसके माइंड के लिए ये तो एक शख्सियत की ग्रूमिंग के लिए है ना एजुकेशन जो है वो। आप जाते हैं, आप टीचर्स को देखते हैं, मॉडल्स होते हैं टीचर्स भी, तो ये मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे को रोके नहीं, उसको समझना चाहिए, समझना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा तो है। ये जो स्टूडेंट जो आपने क्वेश्चन किया कि जो ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ये पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसका उनका स्टाइल चेंज होता है, उनका और बात होती है उनके माइंड में वक्त के साथ, वाकई उनको उसी में हमारे थोड़े एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज होना चाहिए। ऐसे कॉलेजेस और ऐसे इदारे भी बनने चाहिए जिसमें जो स्किल वाइज जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे आप देखें फॉरेन कंट्रीज में बच्चे को पहले टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि उनके माइंड क्या करना चाहता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देखकर। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर जो नेक्स्ट वो होंगे, मतलब अगली हमारी जो नस्ल हो, तो हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा हो कि प्रेशराइज ना करे स्टूडेंट्स को। मुझे बड़ी होप है
आप सबसे मिलते वो उनके माइंड को जो है एक प्रेशराइज ना करें। अब देखिए हम, मैं खुद स्ट्राइकी की स्टूडेंट हूँ तो मुझे अलाओ तो सही, मिठी जुबान है, इतने प्यारी बिल्कुल बिल्कुल बहुत मीठी जुबान है, कमाल बिल्कुल स्ट्राइकी गाल करने हैं, इतना अच्छा ये है। यह है कि मैं ये आखना चाहती हूँ कि स्टूडेंट को देखना चाहिए है कि हम तलीमी इदारे की गल थी पे, तलीमी इदारे भी इन चीज़ को देखें, इन चीज़ को फील करें कि अस कल्चर किन वा पे। कोई ए जा वाकया शेयर करना चाहो जी, जो कहीं बह किते कोई सही डायरेक्शन मिल वे, कोई बच्चियाँ खासकर बहुत कुछ फेस करें स्कूल के हवाले के नाल, कोई अपनी लाइफ का वो टाइम पीरियड, कोई एग्जाम्स का टाइम पीरियड जिन टाइम तो सब फील किया हो कि ना भाई हूँ सवेरे एग्जाम्स वास्ते बहुत डराया वेंदे। हाँ टीचर्स भी डरे ने स्टूडेंट को और पेरेंट्स भी काफ़ी उन्होंने जरा है ना बालों के माइंड को ना एक बाउंड किया है कि जी मार्क्स 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 बस, लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। ये बच्चे के टैलेंट को जरा है ना क्रश करने वाला काम है। मैं क्योंकि खुद एक ही माहौल मतलब प्रवेश पाती है तो मैं चाहता कि मैं नैक्सट जो नस्ल आँदी पी है उनके वास्ते कि पेरेंट्स को मैं आखना चाहता कि बच्चे दे माइंड को जड़ा है ना क्रैश ना करो। होनी चाहिए मेरे को लगता है होनी चाहिए, स्टडी की टेंशन होनी चाहिए, पढ़ने की टेंशन होनी चाहिए, ना कि एग्जाम एंजाइटी होनी चाहिए। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो माँ बाप का एक प्यार मोहब्बत वाला हाथ है ना जो कि थोड़ा सा हमें डरा भी देता है, ये भी बड़ा खूबसूरत होता है। नहीं डराने का और एक स्टाइल है, ये उनको समझाना चाहिए, समझाना चाहिए, समझाना चाहिए, डराना नहीं चाहिए। हमारे माशरे में बच्चियों को खास तौर पर काफी है मतलब एग्जाम्स वास्ते बहुत डराया वेंदा है कि जी मार्क्स ना आए तो वाले के थी सी वाले ओ के थी सी वाले तो कमाल करके दिखाया तो साके कि मैं नहीं डरती हैं। हां बिल्कुल पेरेंट्स को डरावना नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं डरावना, मतलब बच्चियां को तो खास तौर पे कहीं भी चीज वास्ते नेक्स्ट तो सा फ्यूचर वास्ते बिल्कुल भी नहीं डरावना चाहिए। उनको आखो जो करने खुल के करो, लेकिन सबको दसा के करो कि तुसे क्या करें दे पियो, बच्चे को एतमाद जीना चाहिए, उनको पता हो कि पेरेंट्स साढ़े अगर उन्होंने ऐसा कोई गाल डिस्कस करे सो तो साढ़े अगेंस्ट ना हो सें, सब कुछ समझे सें, साढ़े फ्रेंडली माहौल होना चाहिए स्टूडेंट्स यानी कि पढ़ने वाले बालों से पेरेंट्स के दरम्यान। इतना ही मैं गल करना चाहता, देखो नथिन ये एक अद्धा साढ़ा वो कामयाब मैं आ सकती हूँ स्टूडेंट है जो चाहता है कि उनके माँ प्यो उनको किमें ट्रीट करन, ये सीखने की तो समझने की गल आई कि वह क्या चाहता है। बिल्कुल वो कामयाब भी थी से वो जिमें तुसा चाहते वे उमें पढ़ से, लेकिन तुसा भी समझो वो क्या चाहते। मैं ये यहाँ पे अब आपसे मैं एक पैगाम भी चाहूँगी आपका, हमारी सारी आवाम के लिए, टीचर्स के लिए भी चाहूँगी, माँ बाप के लिए भी चाहूँगी, हम सब के लिए चाहूँगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे क्यों लगता है कि हम सब के लिए वो जरिया है जहाँ पर हम बहुत सी बातें लोगों तक पहुँचा सकते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और आज के दिन के हवाले से जो मैं पैगाम देना चाहूँगी वो ये कि सबसे पहले तो जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बिल्कुल जस्ट लाइक पेरेंट्स डील करें, करते भी हैं, बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं। मार नहीं प्यार का स्लोगन भी आया था उसमें, बिल्कुल कि बच्चों को जो है प्यार से ट्रीट किया जाए। सेकेंडली जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए पैगाम होगा कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। पेरेंट्स के दिमाग में जो भी उनके जो कल्चर बैरियर्स हैं या कोई भी ऐसी खलिश है कौम की या अपने कबीले की, उसको निकाल दें, अपने बच्चे के फ्यूचर को सोचें। फिर आम आवाम की तरफ आऊँगी, आप हमारे जैसे लोग, हमसे बेहतर लोग, वो लोग अपने इर्द गिर्द जो लोग एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उनको एजुकेट करें, उनको एजुकेट करने में गवर्नमेंट का साथ दें, तआवुन करें। और हम हर बात पे कहते हैं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट, हम सब तो गवर्नमेंट हैं, ये बात तो हम सबको मिलजुल कर अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना चाहिए। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये यहाँ पे ये फलां का हक बनता है, ये फलां का है, नो, जहाँ आप ये सदका जारिया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, अगर हम रिलीजियसली इसको देखें तो ये सदका जारिया है, हम यही अपने माइंड में रख के चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की है आपने, और आपका पैगाम भी बहुत प्यारा है कि हमें तालीम को फ़रोग देना है, हर हाल में देना है। इथाई मैं गल करेसा जिमें तुसा
किया है, मेहनत की थी, अपने आप को कामयाबी नाल सफ़र को कामयाब किया। मैं तो पहली गल तो यह है मैं आप मनेंदी हाँ कि जी टाइम घरों बच्ची निकली है ऊँ टाइम का मैं आदि सफ़र कामयाबी नाल हासिल करके दे वो उ कामयाब है। साडा माशरा किवें साडे नाल करेंदा तो बच्ची की हिम्मत आती है। वल भी कोई शह आखना चाहो, कोई गल आखना चाहो, क्योंकि तुस मैसेज देना चाहो वो बाल जो पढ़ते पेन, वह बच्चियाँ जो पढ़दियाँ पेन, तो जिन्हों कोई मुश्किल हैं उन्होंने कितने कोई एडवाइस तो खास कर माँ प्यो को अज ये थी से कि माँ प्यो को भी कोई एडवाइस बेटी करे से जरूर जी। बहुत शुक्रिया तुसा बहुत खूबसूरत गाल की थी कि कदें कदें छोटे भी समझा सकते हैं इस चीज़ को। बाकी ये मैं आखना चाहता कि इन प्लेटफॉर्म के थ्रू कि तुस जो कल्चर है अपना उन्दे च रांदे होए थोड़ा उको स्टैबलिश करे सो, थोड़ा उको प्रमोट करे सो, तो इन्दे च कोई हर्ज कोई नहीं। जिमें कि मैं मास्टर्स इन एजुकेशन भी है मेरा, तो मैं चाहती हाँ भी कि एजुकेशन च मैं एमफिल करा, मगर मेरे मतलब मैं उन्दे च टेस्ट भी दे कीता एंट्री टेस्ट, लेकिन मेरे भाई उन्होंने भी एमफिल स्ट्राइकिएज कीता है, तो उन्होंने आखे कि नहीं अपने कल्चर को प्रमोट करो। असा शाये हैं थोड़े जे इन चीज़ को घिन के कि असा स्ट्राइकी हैं या सारा कल्चर ए है वो, लेकिन बिल्कुल भी ए कल्चर तो एक कल्चर है ना, ये अपने थोड़ी अपनी रूट्स हैं जिन्हें जिन्होंने तो को परवान चढ़ाए। देखो दुनिया के सारे जितने भी ममालिक हैं वो अपने कल्चर को घिन के इतने खुश होने ने, इतना अपना प्राउड फील करे ने, बिल्कुल प्रमोट करे ने, प्राउड फील करे ने नी चीज़ ते। लेकिन असा थोड़े जे शायद असे इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं बड़े खुश थी के बड़े असा ते भी इंग्लिश लिटरेचर है, लेकिन ए देखो के लिटरेचर तो एक लिटरेचर है ना। त्रै बंदे इथा बैठे थे तो औरतां बैठियां और वुमेन पावर तो उवें लगदी पई आ जे मेरे को भी के देखो मैं खुश हां, यकीन करे सो आज मेरा दिल खुश है, मैं खुश हाँ जिम्मे तुसा दसेंदे पे वे ना या असा करना बिल्कुल। देखो सर मैं गल करें दी पे इंग्लिश लिटरेचर होवे कोई भी लिटरेचर बड़े असा प्राउड फील करें कि जी इंग्लिश दे चार लाज बोल के, लेकिन ये बिगाना कल्चर है। मैं इन चीज़ के खिलाफ कोई नहीं कि तुसा कहीं कल्चर को पहले अपना तो सीखो ना, पहले अपना तो सीखो, पहले अपना तो सीखो, उको थोड़ा जा अपग्रेड करो, तुसा थोड़ा जा उको दुनिया को दिखाओ कि असा क्या है, ताकि कोई तो को मनने भी सही। तू सर बिगानी चाल ते चल के तू सर अपनी चीज को भूल के, मेरे को भाई ने मेरे को बड़े समझाया कि जी जेड़ी कौम जेड़ा है अपनी जबान मदर टंग को भूल वेंदी है, अपनी मदर लैंग्वेज को भूल वेंदी है, तो वो कौम मर वेंदी है। असा मैं ईपीटीवी दे इंदे तो चैनल मैं ये आखना चाहता कि क्या असा चाहने हैं कि असा साडा एक कल्चर खत्म थी वे, असा स्ट्राइकी कौम या स्ट्राइकी ना आखो पाकिस्तानी कौम जिंदे स्ट्राइकी बहुत ज्यादा है, हर जाते मौजूद हैं वैसे तो दुनिया के हर जाते मौजूद हैं, लेकिन क्या असर इको खत्म करना चाहने हैं? लेकिन देखो ना एक सवाल है तो असर इको क्यों नहीं, असर इको फ्लोरिश क्यों नहीं करें दे, असर इको ज्यादा प्रमोट क्यों नहीं करें दे, असर दुनिया के सामने शर्मांदे क्यों है ये चीज तो आखण वास्ते, ये स्ट्राइक की बोलन वास्ते क्यों शर्माने हैं? मेहनत की थी मिसाल बैठे हुए जी बिल्कुल भाई मिसाल है मिसाल बैठे हुए हाँ जी उमे इतनी मिठी जुबान है कोई किवें दूर रह सकदे थी नहीं सकदा उमे तो दूर नहीं रह सकदे लेकिन जड़े ले चार लोग हैं जबाने हैं तो असा ई चीज को थोड़ा जा इयो करने है लेकिन ए होमना नहीं चाहिदा नहीं होमना चाहिदा। अच्छा मैं तो शुरू तो मे को अगर पूछो तो मेरे ता लाजिम भी गाल है मे को जी टाइम सही तरह ना भी आंदी है सही मैं उ टाइम नहीं लेंदी मे को इंदे नाल मोहब्बत ही इतनी है तुसा भी बड़ा सोना लेंदे वे तो होपफुली नेक्स्ट टाइम तुसा शुरुआत भी मेरे नाल स्ट्राइकिज करे जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ते बच्चियां किते कोई मैसेज बच्चियां किते ए मैसेज है कि तुसा कहीं भी चीज को घेन के कहीं भी टास्क को घेन के डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं। पेरेंट्स वास्ते आखसा कि उनों को थोड़ा सपोर्ट करो, मतलब गलत काम ना होवे कोई भी अच्छा काम है उनों को सपोर्ट करो। तुसा ए देखो कि मतलब केड़े पासे वेंदे पेन तुसा ए ना सोचो कि लोग क्या आखसन या किवें इत्थी सी हुण मतलब चार लोगों को जवाब की में देवने क्या आक्सन के भाई तुसा बच्ची को ही किते ए चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दुनिया बहुत अगू चली गई है दुनिया बहुत अगू बात गई है तुसा इतने पिछू रह गए हो कोई मैसेज दे दियो चलो आज ये भी ऐसा करें दे से अपने प्रोग्राम में हां कि उन्हें को भी साको सपोर्ट करनी चाहिए बिल्कुल भिरावा को मेरे तो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं वो भी राज जो सारे नाल पढ़ दें वो भी राज जो सारे नाल काम करें दें मैं मेरे भाई ही के डिपार्टमेंट तो हैं होने माशाल्लाह वही घन के आए मैं कोई तक
टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले। मैं उन्होंने बिरावा को आदि पी हाँ जो साढ़े नाल पढ़ दिन साढ़े नाल कम करें दिन साढ़े नाल रहा दिन क्योंकि साढ़ा मैक्सिमम टाइम उन्होंने गुजरते उन्होंने को भी चाहिए सबको सपोर्ट करें सबको रिस्पेक्ट देवन पेरेंट्स का काम है ये पेरेंट्स का काम है अगर और अगर एक इम्तियाज रखे ना ना बॉयज एज गर्ल्स एज मतलब कि अपने दोहे औलाद तो वो चीज़ जी है ना ये मतलब कि भाइयों के माइंड पैदा थी अगर पेरेंट्स ना करें ना तो वल नहीं ये चीज़ वल नहीं कदी। अच्छा मैम एक गाल ही मेरे को आई है मैं क्यों ना तो भी एक मैसेज तक रखे देवो क्योंकि रू बोल गए ना बोले तो वल कंप्लीट कि मैं कोशिश कर सकती हूँ बोल नहीं सकती तो कोशिश कर सो थी वैसे ऐसा बैठे नहीं जी हाँ क्या आखना चाहते हो तुसा मतलब अपनी कोई गल करो अपने वसेप को खवातीन को मावा को मैं चाहता तुसा मावा को कोई एडवाइस दो कोई अपनी गल करो सराइकेच करो मैं ही गल तो वैसे इन सवाल तो पहले शेयर करना चाहती हूँ तो सजी में आदत है भिरामा वास्ते तो भिरामा वास्ते मैं एक स्कूल ओपन किया ही हेड तौंसा ते ਮਹਿਗੀਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਗੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਬੋਟ ਸਕੂਲ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਰ ਬਿਰਾਵਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਡਾ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਵੇ ਮਾਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ ਮਾਵਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਹਾਂ ਮਾਵਾ ਦੀ ਇਹੋ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾ ਹਨ ਮੈਂ ਦੇਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਸਨੈਸ ਹੈ ਡਿਸਲਾਈਕਨੈਸ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਬੈਰੀਅਰ ਇਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਥੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈਂਦੇ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਥੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਖੇ ਸਾਂ ਤਾਕੂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਰੰਗ ਹਨ ਕਿਤਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੇ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਕੂ ਮਿਲ ਸੇ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਸੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਸਾਕੂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋ ਆਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੂਰ ਥੀ ਗਏ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੀਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਬਾਂਧਦਾ ਪਏ ਕਿਉਂ ਬਾਂਧਦਾ ਪਏ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਈਆਂ ਸਾ ਕਰ ਗਿਣ ਤੂੰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਥੀਂਦਾ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਰੀ ਥੀ ਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਵੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇ ਮਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਥਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਿੰਦੇ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਵੱਜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਅਸਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀ ਗਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੇਕੋ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੋ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਥੀ ਵੈਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਵਸੇਪ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਦਿਸਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਿਸੇਂਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਲਿਖਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹਰ ਕਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇ ਸਾਡਾ ਵਸੇਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਲਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੇ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥਾਂ ਕਿੱਥਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਤ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਬਾਲਾਂ ਕੀਤੇ
ये तो वध के कौन क्या करे, हर हुकूमत ही में करे दे सारी हुकूमत तो वाली बूंग कुछ कर गई दे हूँ तुसा ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना है, अपने बालों का ख्याल रखना है, उन्होंने तालीम का उन्होंने शऊर का ख्याल रखना है। मेकू डे सो इजाजत, कल वल मिलसूँ एक होर प्रोग्राम नवे मेहमान नवी गाल के नाल। अल्लाह हाफिज़।